नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं और अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं आज के राजनीतिक माहौल पर। उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे श्रवण गर्ग जी से, जानेंगे उनकी टिप्पणी, क्योंकि इस वक्त पूरे देश के अंदर बल्कि 2024 का चुनाव उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव दरअसल नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर एक तरीके का रेफरेंडम है। या तो उनके पक्ष में वोट पड़ रहा है या उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। वही इस चुनाव का मुद्दा भी है और वही इस चुनाव के नेता भी है और वही इस चुनाव के विचार भी है। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिना नरेंद्र मोदी के उसका कोई अस्तित्व है या नहीं। और दूसरा, इसी तरीके की बात आज से कई साल पहले, कई दशक पहले कांग्रेस पार्टी के साथ भी खड़ी हुई थी, जब कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के बीच का फर्क खत्म हो गया था। उस वक्त भी इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस कहा जाता था, इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस का विचार कहा जाता था, इंदिरा गांधी ही कांग्रेस की नेता थी। तो क्या इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की किसी तरीके की तुलना की जा सकती है? क्या उनके बीच में किसी तरीके का कोई साम्य है? और क्या आज जो कांग्रेस पार्टी कमजोर दिखाई पड़ती है उसके पीछे क्या कारण था इंदिरा गांधी का पार्टी से बड़ा हो जाना? क्या वैसी ही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खड़ी हो सकती है भविष्य में, अगर नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी के सर्वे सर्वा ना रहे तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ उसका असर दिखाई पड़ता है, इस पर बात करेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, ये जो सवाल खड़ा हो गया है इस वक्त की मोदी ही बीजेपी, मोदी ही विचार है, मोदी ही नैरेटिव है, तो इसके क्या फायदे नफे नुकसान आप देखते हैं? कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तब एक कांग्रेस बनी थी कांग्रेस एस और एक कांग्रेस बनी थी कांग्रेस आई। वो कांग्रेस आई थी कांग्रेस इंदिरा। भारतीय जनता पार्टी अंदर से विभाजित हो गई है, वो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि डिसिप्लिन पार्टी है इसलिए दिखता नहीं है बहुत कुछ। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी ये हो गई है भारतीय जनता पार्टी मोदी, और एक हो गई है भारतीय जनता पार्टी ब्रैकेट में संघ। ये दोनों जो चीजें दिख नहीं रही है, दिखेंगी थोड़े समय बाद। ये 1977 के बाद का पहला ऐसा चुनाव है। लोगों को थोड़ा सा इस बारे में समझना पड़ेगा कि ये 1977 के बाद बहुत साल हो गए, मतलब दो पीढ़ियां नई आ गई हैं, उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है पूरी तरह से कि 1977 क्या था, कौन सा वाटरशेड मोमेंट था भारत की राजनीति का। पहली बार एक चुनाव हो रहा है जिसमें एक तरफ एक पूरा एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ जनता और विपक्ष है, और ये क्लियर नहीं कि उस व्यक्ति के पीछे उसकी खुद की पार्टी किस हद तक है। ये बड़ा विचित्र मामला है। 1977 में क्या हुआ था कि विपक्ष की पूरी विपक्ष और जनता की पूरी प्रतिक्रिया या विरोध जो था वो इंदिरा गांधी के प्रति था। वो इसलिए था कि उन्होंने अपने को कांग्रेस मान लिया था, और जेपी ने भी पूरा जो अटैक है जयप्रकाश नारायण ने पूरा अटैक कांग्रेस पर नहीं किया था, इंदिरा गांधी पर किया था। इस समय भी अगर हम देखें विपक्ष का पूरा अटैक, अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो विपक्ष पूरा अटैक जो है अपना मोदी पर कर रहा है, बीजेपी पर नहीं कर रहा है। मतलब जो इसका मुखर स्वर है वो मोदी है और दबा हुआ सर बीजेपी है। मिसेस गांधी ने आपातकाल को खत्म इसलिए करवाए थे कि वो प्रजातांत्रिक दिखना चाहती थी, तानाशाही दिखना चाहती थी, इतिहास में भी नहीं दिखना चाहती थी, और उन्होंने हार को भी स्वीकार कर लिया और सिंबॉलिक कारावास को भी भुगत लिया और विपक्ष में भी बैठ गई। 1980 आते आते जब जनता ने मान लिया कि इंदिरा गांधी प्रजातांत्रिक हो गई हैं, तो पूरी की पूरी ओपिनियन और एग्जिट पोल को धता बताते हुए इंदिरा गांधी 1980 के चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता में आ गई। जी, अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें, अब ये वर्तमान का जो विरोध है, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं प्रति कम है या नहीं है, मोदी जी के प्रति है, और मोदी जी ने अपने आप को पार्टी से ऊपर मान लिया है।
इंदिरा जी ने अपने आप को पार्टी माना था, मोदी जी ने अपने आप को पार्टी से भी ऊपर मान लिया है। दूसरा ये किया है उन्होंने कि देश को गुजरात समझ लिया है और गुजरात की संपन्न जनता के डर को देश की गरीब जनता का भी डर मान लिया है। मतलब अगर हम देखें कि गुजरात में जो डर था वो संपन्न जनता के बीच में था और वो ये समझे कि देश की गरीब जनता भी डर जाएगी, वो नहीं डरी। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी और संघ को भुगतना पड़ेगा, थोड़ा तो पड़ रहा है, वो इसलिए भुगतना पड़ेगा कि जब मोदी जी अपने आप को पार्टी से ऊपर कर रहे थे तब इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, किसी भी तरह का नहीं किया। मतलब संघ में तो ये हो गया कि ऐश आराम की जिंदगी में चले गए संघ के लोग और जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी में चले गए। अब मोदी जी चूंकि इंदिरा गांधी नहीं है और हो भी नहीं सकते, बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है कि इंदिरा जी ने विपक्ष को कभी खत्म नहीं किया, उन्होंने बात ही नहीं की कि विपक्ष को खत्म करना है, और इसलिए वो विपक्ष में बैठने को भी तैयार हो गई। मोदी जी ने अपने कार्यकाल की पूरी शुरुआत ही विपक्ष को खत्म करने से की थी। अगर आप देखें तो कांग्रेस मुक्त भारत की उन्होंने बात शुरू की थी आते से, और उसका कारण यह था कि गुजरात में उन्होंने पार्टी के अंदर के विपक्ष को भी खत्म कर दिया था और वैसे जो फॉर्मल विपक्ष था उसको भी खत्म कर दिया था। अब हुआ यह कि दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी के विपक्ष को तो घर बिठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया, पर वो देश के विपक्ष को नहीं बिठा पाए। अब जो दिक्कत है, मोदी जी अब उन्होंने देखा कि अब पहले चरण के मतदान के बाद की जो स्थिति बनी उनको लगा कि वो उनको पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अब बदलना पड़ेगी, और जो प्रयोग उन्होंने गुजरात में सांप्रदायिक विभाजन के जरिए सत्ता में बने रहने का किया था उसको प्रारंभ कर दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से कर दिया। अब ये मुद्दा ये है कि वो पीछे नहीं हट सकते, जहां बढ़ गए हैं उससे पीछे नहीं हट सकते, वो इतना आगे बढ़ गए हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि बांसवाड़ा में जहां थे वो, अलीगढ़ पहुंचते पहुंचते उन्होंने न सिर्फ बांसवाड़ा को दोहराया, एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने जनता से कहा कि आपके दो घर होंगे तो कांग्रेस एक छीन लेगी, आपकी संपत्ति का सर्वे करेगी, और फिर वो महिलाओं के मंगलसूत्र की उन्होंने बात कही। ये गुजरात का प्रयोग है कि अगर आपने मुझे सत्ता में नहीं रखा तो मुस्लिम पूरे गुजरात को गोधरा बना देंगे, उनके मन में डर पैदा कर दिया था, और गुजरात में सारी संवैधानिक संस्थाओं के मुंह बंद कर दिए गए थे। अब मुद्दा यह है आशुतोष जी कि ये चुनाव चरण दर चरण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दो चीजें हो सकती है। उसमें यह हो सकता है कि बीजेपी का वोट शेयर कम होता जाए और मोदी जी ज्यादा आक्रामक होते जाएं। वो जो भी बेस्ट हो सकता है अपनी ताकत का, नागरिकों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति भय पैदा करके सत्ता में बने रहने का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, ये तमाम जो इलाके हैं ये सातवें चरण तक फैले हुए हैं और गुजरात भी तीसरे चरण में है। ये उनके लिए जरूरी है। अब वो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि जो दुनिया के लगभग 49 मुस्लिम देश हैं जहां करीबन 200 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, जहां गल्फ में 50 लाख के करीब भारतीय नागरिक काम करते हैं, ये तमाम चीजें उसका असर वहां जाके क्या पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब भारत नागरिक क्या कर सकते हैं? नागरिक ये कर सकते हैं कि वो प्रार्थना करें कि भाई कोई बड़ी चीज नहीं हो जाए, और दूसरा ये कि
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन होता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का कोई इंटरवेंशन दिखता है कि नहीं, ये तमाम लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, पिटिशंस पेश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, क्या उसका कोई असर होगा कि नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा, क्योंकि उन्होंने इतना हैंड पिक्ड और हैंडीकैप बना दिया है पूरी पोल बॉडी को कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो विपक्ष की किसी बात पर कोई ध्यान देगा या नहीं देगा, इस पर अभी संदेह है, बहुत बड़ा संदेह है। तो आप कहेंगे कि आप पूछ सकते हैं कि आपकी पूरी जो डिबेट है उसका कंक्लूजन क्या है, आपने इतनी बात कही तो उसका उपसंहार क्या है? जी, इसके उपसंहार तीन हैं आशुतोष जी, या बल्कि चार हैं। पहला तो यह कि इंडिया गठबंधन को अब बीजेपी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद अपने खुद के खिलाफ काम में जुट गए। मतलब मोदी जी जो कर रहे हैं उसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, देश भर में घर घर में करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है और मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में क्या था। और जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बताया जा रहा है मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलना करके, वो पूरी की पूरी चीज गलत है। मतलब कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो कहा ही नहीं गया। तो इसलिए एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार का कार्यक्रम देश में चालू हो गया है, कंडीशनिंग का लोगों के दिमाग में कि इस सरकार का क्यों आना जरूरी है, नहीं तो कांग्रेस खत्म कर देगी। तो मैंने जो पहली चीज कही वो ये कही कि इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ये कि मोदी जी अब खुद के खिलाफ काम में जुट गए। तीसरी चीज ये कि मोदी जी जो सर्वे है, जैसे आपने भी दिखाया था CSDS लोकनीति की जो फाइंडिंग थी, ये जो हिंदुत्व है उसको सिर्फ 2% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं और भारत जो है सभी लोगों के लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, मोदी जी उसको गलत साबित करना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि मोदी जी विपक्ष के गले में मंगलसूत्र बांधना चाहते हैं। अब विपक्ष मोदी जी से मंगलसूत्र बंधवाता है कि नहीं, और वो मंगलसूत्र क्या असली है और नकली है, मतलब ये कि मोदी जी एक ट्रैप में पूरे के पूरे विपक्ष को डालना चाहते हैं कि वो डिफेंस में चला जाए कि हम हिंदुओं के विरोधी नहीं है, हम हिंदुओं के समर्थक हैं, और लड़ाई को पूरी को वो हिंदू मुस्लिम बना दें, और घोषणा पत्र से विपक्ष जो है पूरी तरह से डिपार्चर कर ले और बचाव की मुद्रा में आ जाए, जैसा कि खड़गे जी ने समय मांगा है पीएम से मिलने के लिए, जो समझा जाता है कि वो ये सफाई देना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा है वो नहीं है, जो समझ रहा हूं मैं। पर जी, खड़गे जी को उसके लिए मिलने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये चीज मोदी जी को पता है कि जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी चीजें हैं वो हकीकत में घोषणा पत्र में नहीं है, पर उनको चुनाव जीतने के लिए कहना पड़ेगा। तो जैसे इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा है विपक्ष को मिलने के लिए, मोदी जी भी खड़गे जी को टाइम नहीं देंगे। इसलिए खड़गे जी को निश्चिंत होकर अपने बाकी काम करते रहना चाहिए, विपक्ष को मोदी जी से लड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मोदी जी का जवाब भी देने की जरूरत नहीं। मोदी जी को अब देश की जनता जवाब देती है कि नहीं, और जैसा आपने शुरू में कहा ये रेफरेंडम है मोदी जी पर देश का, कि लोग मोदी जी को चाहते हैं कि नहीं, ये रेफरेंडम
ये भी है कि मोदी जी और बीजेपी में फर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये भी है कि मोदी जी के नहीं होने में बीजेपी क्या है उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा, और मोदी जी की जरूरत अगर देश नकार देता है तो एक बड़ा रेफरेंडम इस देश को प्राप्त होगा जिसकी कि हम 10 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 जून के परिणाम जो हैं बहुत सारी चीजें सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं इस इलेक्शन को जो अलग अलग नजरियों से देख रहा हूं, मैंने आज उसमें एक नया नजरिया आपके सामने पेश किया, बस इतना ही। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।